Yes, you guessed it right. इस वीडियो में हम इसी 3D अपर्चर एनिमेशन को स्क्रैच से बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ माय फेवरेट थर्ड पार्टी प्लगइन कॉल्ड एलिमेंट 3D बाय वीडियो को पायलट। अब ये एनिमेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है बट डोंट वरी बिकॉज मैं इस वीडियो में इसे स्टेप बाय स्टेप एकदम बिगिनर फ्रेंडली वाले तरीके से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे होगा कि आपको ये स्पेसिफिक एनिमेशन तो अच्छे से समझ में आ जाएगी बट इसके अलावा भी जो आपके एलिमेंट 3D के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो भी काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर खतरनाक वाली 3D एनिमेशन क्रिएट कर पाओगे। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बट इसके बाद भी अगर आपको किसी भी पॉइंट पे दिक्कत आती है देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू चेक आउट माय दिस कोर्स दैट इज गेटिंग स्टार्टेड विद Adobe After Effects, जो कि मैंने स्पेसिफिकली बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया है। यहां मैं After Effects की हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं एग्जांपल के साथ, जिसे समझने के बाद आप कॉन्फिडेंटली सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को एडिट कर पाओगे। इस कोर्स के बारे में और जानने के लिए क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड नाउ लेट्स ओपन After Effects। अब साथ में प्रैक्टिस करने के लिए इस वीडियो में यूज करी जाने वाली सारी फाइल्स को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो बाय यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ मैंने एक फुल HD कॉम्पोजिशन क्रिएट कर रखी है और अब इसके अंदर एलिमेंट 3D प्लगइन यूज करने के लिए हम यहाँ सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक सॉलिड लेयर बाय प्रेसिंग Ctrl+Y। इस सॉलिड को रीनेम करेंगे Aperture_Element3D। इसका साइज हमारी कॉम्पोजिशन जितना ही होना चाहिए विच इज 1920x1080 और इसका कलर हम कुछ भी रख सकते हैं। सो आई जस्ट कीप इट ऑन ब्लैक एंड विल क्लिक ओके एंड नाउ विल एड आवर एलिमेंट 3D प्लगइन इन दिस सॉलिड लेयर। आई विल सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप इट ऑन इट लाइक दिस और अब यहाँ इस प्लगइन को ऐड करते ही हम इसके अंदर जाएंगे बाय क्लिकिंग ऑन दिस सीन सेटअप बटन एंड दिस इज वेयर द मैजिक बिगिंस। ये बेसिकली इस एलिमेंट 3D प्लगइन का अपना ही यूजर इंटरफेस है जहां से हम After Effects में 3D ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें मैनुअली मॉडल कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली ये प्लगइन सिनेमा 4D या ब्लेंडर जितना पावरफुल तो नहीं है बट आज जो हम बनाने बैठे हैं उसके लिए ये प्लगइन काफी है। तो यहाँ हम सबसे पहले अपने अपर्चर की रिंग बनाने के लिए इस क्रिएट वाले ऑप्शन में जाएंगे एंड विल सिलेक्ट दिस सिलेंड्रिकल रिंग मॉडल। यहाँ हम इस रिंग को अपनी 3D स्पेस में व्यू कर सकते हैं और यहाँ इस लेयर पैनल में इसकी लेयर को भी देख सकते हैं। डिफॉल्ट से यहाँ ये एक ग्रुप के अंदर ऐड हुआ है बट हमारे सिनेरियो में वी डोंट नीड दिस ग्रुप, तो मैं यहाँ इसे इस ग्रुप से बाहर ड्रैग करूंगा एंड आई विल सिंपली डिलीट दिस ग्रुप। नेक्स्ट हम इस शेप को सामने से देखने के लिए इसे 90° रोटेट करेंगे और ये करने के लिए मैं पहले यहाँ इस रोटेशन वाले आइकन पे क्लिक करूंगा और अब अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करके इसके एक्स एक्सिस को कुछ इस तरह से रोटेट करूंगा। शिफ्ट प्रेस करके ये बेसिकली हर 45° पे स्नैप हो जाता है। नेक्स्ट हम इस सिलेंड्रिकल शेप को एक रिंग में कन्वर्ट करने के लिए इसकी हाइट को थोड़ा कम करेंगे टू समथिंग लाइक 0.15 इज लुकिंग गुड। इसके इस इनर रेडियस को भी बढ़ाएंगे टू समथिंग लाइक 84%। बाय द वे इस प्रीव्यू पैनल में फ्रीली नेविगेट करने के लिए मैं यहाँ सिंपली अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके ड्रैग कर रहा हूँ। जूम इन और जूम आउट करने के लिए मैं अपने माउस स्क्रोलर का यूज कर रहा हूँ और वाई और एक्स एक्सिस में मूव करने के लिए मैं अपने माउस के स्क्रोलर व्हील वाले बटन को प्रेस कर रहा हूँ लाइक दिस। अब अगर हम यहाँ इस शेप पे थोड़ा गौर करें तो यहाँ इस रिंग का कर्व काफी लो रेजोल्यूशन का लग रहा है। इसे स्मूथ करने के लिए हम यहाँ इस साइड्स के नंबर को इंक्रीज करेंगे टू समथिंग लाइक दिस, आई थिंक 90 इज गुड। और अब लास्टली अपनी रिंग को एक मेटल वाली फील देने के लिए विल गो टू प्रीसेट्स और यहाँ इस मटेरियल ऑप्शन के अंदर इस फिजिकल फोल्डर में से वी कैन यूज एनी ऑफ दीज मटेरियल लाइक दिस। ऑब्वियसली यहाँ हम अपने भी कस्टम प्रीसेट्स क्रिएट कर सकते हैं बाय चेंजिंग दीज वैल्यूज हेयर बट फॉर दिस एनिमेशन आई यूज अ मटेरियल फ्रॉम दिस प्रो शेडर्स पैक जो कि पेड है बट डोंट वरी क्योंकि जो हम मटेरियल प्रीसेट यूज करने वाले हैं उसकी सारी सेटिंग्स और टेक्सचर आपको एसेट्स के फोल्डर में मिल जाएंगी। तो यहाँ मैं अपने मेटल के फोल्डर में जाऊंगा एंड आई विल चूज दिस ब्लैक स्टील मटेरियल, इट्स लुकिंग गुड। बट अभी ये टेक्सचर हमारे रिंग के इस सेट पे तो थोड़ा ठीक लग रहा है बट यहाँ ये काफी स्ट्रेच हो गया विच इज नॉट लुकिंग गुड टू मी। तो इसे अपने सरफेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम यहाँ इस मॉडल के इस यूवी मैपिंग वाले कॉलम में जाएंगे और यहाँ इस टेक्सचर मैपिंग वाले ऑप्शन में से इसे यूवी से हटा के इस बॉक्स रिपीट प्रिजर्व एस्पेक्ट वाले ऑप्शन पे स्विच कर देंगे एंड नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर, दिस वॉज बिफोर एंड दिस इज नाउ। बट अब मुझे ये टेक्सचर काफी बड़ा लग रहा है, इसे छोटा करने के लिए मैं यहाँ इस यूवी रिपीट वाले ऑप्शन को इंक्रीज कर सकता हूँ टू समथिंग लाइक 3 इन बोथ एक्सेस एंड नाउ इट्स लुकिंग ग्रेट, दिस वॉज बिफोर जहां हमारा टेक्सचर काफी बड़ा था एंड दिस इज नाउ। लास्टली हम इस मटेरियल में थोड़ी और रिफ्लेक्शन ऐड करेंगे सो आई विल सिलेक्ट दिस मटेरियल फ्रॉम हियर। बाय द वे इस मॉडल के ऑप्शंस और इस मटेरियल के ऑप्शन यहाँ डिफरेंट है और ये सारे बटन्स और ये कॉलम्स सेम ही है, यानी अगर मैं यहाँ इस बटन पे क्लिक करूंगा तो बस यहाँ ये बेसिक सेटिंग वाला ऑप्शन ऊपर आ जाएगा। तो अब अपनी रिफ्लेक्शन को बढ़ाने के लिए आई विल क्लिक ऑन दिस बटन
और यहां से मैं इस रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी को 205 से 400 पे कर दूंगा एंड दैट्स इट। दिस वाज बिफोर एंड नाउ द मॉडल ऑफ आर रिंग इज कंप्लीट। मैं यहां इस मॉडल को रीनेम करूंगा टू रिंग एंड नाउ लेट्स क्रिएट आर ब्लेड्स जो कि इस रिंग के अंदर एनिमेट होंगी। अब जो एपर्चर की ब्लेड्स होती हैं वो कुछ ऐसी दिखती हैं। तो इन ब्लेड्स को क्रिएट करने के लिए हम इन प्रीमेड मॉडल्स को यूज नहीं कर सकते, सो वी हैव टू क्रिएट दिस कस्टम शेप यूजिंग मास्क बिकॉज एलिमेंट 3D मास्क को रीड कर सकता है। तो मैं यहाँ ओके क्लिक करूंगा टू कम बैक टू दी आफ्टर एफेक्ट्स पैनल्स। यहाँ हम अपनी रिंग देख सकते हैं, इस पर हम थोड़ी देर में वापस आएंगे। और अब यहाँ अपनी ब्लेड्स बनाने के लिए हम यहाँ सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक नई सॉलिड लेयर, इसे रीनेम करेंगे ब्लेड मास्क एंड अगेन वी कैन कीप इट ऑफ एनी कलर। अब अपनी ब्लेड को एक सीधी लाइन में बनाने के लिए मैं इस प्रोपोर्शनेट ग्रिड वाले ऑप्शन को ऑन करूंगा और अब इस सॉलिड पे अपने पेन टूल से कुछ इस तरह से एक ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा। अभी मैंने इसे थोड़ा रफली ही ड्रॉ किया है, बट अगर मैं अपने पॉइंट्स को सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करूं तो अभी ये पॉइंट्स हमारे ग्रिड के साथ स्नैप होंगे, जिसे हम इन्हें एकदम स्ट्रेट लाइन में प्लेस कर सकते हैं लाइक दिस। अब आप चाहो तो आप अपनी ब्लेड्स को ऐसे ही रख सकते हो, बट मैं अपनी ब्लेड्स के अंदर थोड़ा ड्रामा ऐड करने के लिए इनके अंदर कुछ इस तरह से कर्व्स ऐड करूंगा। समथिंग लाइक दिस इज नाइस। सो द शेप ऑफ आर ब्लेड इज नाउ रेडी। वी कैन सिंपली टर्न ऑफ दिस लेयर एंड कीप इट इन आर बैकग्राउंड। इनफैक्ट हम इसे लॉक करके शाई भी कर सकते हैं। और अब उस शेप को इस एलिमेंट 3D में ले जाके 3D में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले इस कस्टम लेयर्स के अंदर आएंगे और यहाँ इस कस्टम टेक्स्ट और मास्क में अपने पहले पाथ लेयर में इस ब्लेड वाली लेयर को ऐड करेंगे जो कि हमने अभी क्रिएट करके शाई करी थी। यहाँ सोर्स में हम मास्क सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इसकी सिर्फ मास्क वाली प्रॉपर्टी को यूज करना चाहते हैं। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू आवर सीन सेटअप। अब अपनी ब्लेड को यहाँ इम्पोर्ट करने के लिए विल सिंपली क्लिक ऑन दिस एक्सट्रूड बटन एंड हेयर इज आर 3D ब्लेड। ऑब्वियसली इसमें काफी सारी दिक्कतें हैं, एक एक करके इन्हें ठीक करते हैं। सबसे पहले तो इसका अगर हम साइज देखें तो ये हमारी रिंग के हिसाब से काफी बड़ी है, तो इसे फटाफट से छोटा करने के लिए हम सिंपली यहाँ इस ऑटो प्रीसेट स्केल को चेक करेंगे एंड नाउ इट्स लुकिंग बेटर। ऑब्वियसली आप इसके अंदर इस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में जाके भी इसके स्केल को चेंज कर सकते हो, बट लेट जस्ट मेक इट 100 क्योंकि हम इसे बाहर से भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके ये जो लो रेजोल्यूशन वाले एजेस हैं इन्हें स्मूथ करने के लिए हम इस ट्रांसलेशन वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे और इस पाथ रेजोल्यूशन को हाई से एक्सट्रीम कर देंगे। नाउ इट्स मच बेटर। और अब इसकी विड्थ को कम करने के लिए विल सिलेक्ट इट्स मटीरियल ऑप्शंस और यहाँ इस बेवल ऑप्शन के अंदर इस एक्सट्रूड को कर देंगे एकदम मिनिमम पे, दैट इज 0। अभी यहाँ ये एकदम 2D नहीं हुआ है, इसके अंदर अभी भी बेवल है जिसकी वजह से हमें इसमें थोड़ी डेप्थ दिख रही है, बट ये बेवल भी सिर्फ अभी एक ही साइड पे है। इसकी दोनों साइड पे बेवल करने के लिए हम इस बेवल बैक साइड वाले ऑप्शन को भी चेक करेंगे। नेक्स्ट हम इस राउंड बेवल को थोड़ा शार्प बनाने के लिए अपने बेवल सेगमेंट को कम करेंगे टू 0। पहले ये ऐसा था राउंड बेवल्स के साथ एंड नाउ इट्स अ बिट पॉइंटी। और अब लास्टली इस ब्लेड की विड्थ को और कम करने के लिए यानी इसे थोड़ा और पतला बनाने के लिए इसके इस बेवल डेप्थ को भी थोड़ा कम करेंगे टू समथिंग अराउंड 0.64 इज लुकिंग गुड। एंड नाउ द मॉडल ऑफ आर ब्लेड इज कंप्लीट। अब इसे मल्टीप्लाई करके एनिमेट करने वाला काम हम बाहर आफ्टर इफेक्ट्स में करने वाले हैं। यहाँ नेक्स्ट हम इसे सिंपली एक ब्लेड जैसा मटेरियल देंगे बाय गोइंग बैक टू द प्रो शेडर्स मटेरियल ऑप्शंस और यहाँ इस मेटल के कॉलम में से आई विल चूज दिस मेटल ब्रश प्रीसेट। अगेन इसे भी क्रिएट करने की सारी सेटिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए एसेट्स लिंक के अंदर ही मिलेंगी। नेक्स्ट हम इसकी भी UV सेटिंग्स में जाके इस टेक्सचर मैपिंग को चेंज करेंगे टू बॉक्स रिपीट प्रिजर्व एस्पेक्ट एंड दैट्स इट, आवर ब्लेड इज नाउ रेडी। लास्टली मैं इसे यहाँ से बस Group 1 से Group 2 में ऐड करूंगा एंड लेट्स ऑल्सो रीनेम इट। एंड नाउ लेट्स कम बैक हेयर जहाँ हम इस सिंगल ब्लेड को मल्टीप्लाई करके एक अपर्चर की तरह एनिमेट करेंगे। तो यहाँ मैं अपने Group 2 में जाऊंगा जहाँ हमने इस ब्लेड को ऐड किया था। एंड नाउ बिफोर वी डू एनीथिंग लेट्स चेक द रोटेशन ऑफ दिस ब्लेड फर्स्ट। आई सिंपली गो इनसाइड दिस रोटेशन प्रॉपर्टी और यहाँ किसी भी एक्सिस की रोटेशन प्रॉपर्टी को चेंज करने पर हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारी ये ब्लेड अपने सेंटर से रोटेट हो रही है, बट एक रियल अपर्चर में उसकी ब्लेड की मूवमेंट उसके इन एजिस से होती है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें सिंपली इस ब्लेड के एंकर पॉइंट को इसके बीच से हटाकर इसके टॉप एज पे रखना होगा। अब ये चीज यहाँ बाहर से तो नहीं हो सकती, तो विल गो इनसाइड आवर सीन सेटअप अगेन और यहाँ हम इस ब्लेड को सिलेक्ट करके इस बटन पे क्लिक करके इसका एंकर पॉइंट देख सकते हैं। एज एक्सपेक्टेड ये अभी इस ब्लेड के मिडल में ही है, तो इसे फटाफट से चेंज करने के लिए हम यहाँ सिंपली इसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज में जाएंगे। यू कैन ऑल्सो क्लिक हेयर टू रिवील दम और यहाँ इस अलाइनमेंट वाले ऑप्शन के अंदर इस मॉडल सेंटर से सिंपली टॉप पे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ हम अपने मॉडल का एंकर पॉइंट चेंज होता हुआ देख सकते हैं। इसकी वाई एक्सिस की पोजीशन भी ऊपर से नीचे हो गई है, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स जस्ट क्लिक ओके टू कम बैक टू आफ्टर इफेक्ट्स।
एंड नाउ इफ आई रोटेट दिस, तो अब ये ब्लेड एक एक्चुअल अपर्चर ब्लेड की तरह ही रोटेट होगी। इनके बीच का डिफरेंस अच्छे से समझने के लिए आप इन दोनों एग्जांपल्स को देख सकते हो। लेफ्ट साइड में ब्लेड अपने बीच से रोटेट हो रही थी और राइट साइड में इट्स रोटेटिंग फ्रॉम इट्स टॉप एज। तो अब ये सब करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस ब्लेड को मल्टीप्लाई करना। बट उससे पहले मैं अपने इस 3D सीन में इजिली नेविगेट करने के लिए यहाँ एक कैमरा ऐड करूंगा। सो विल गो टू लेयर्स, न्यू एंड कैमरा। विल क्रिएट अ 2-node कैमरा ऑफ 24mm लेंस एंड विल कीप द डेप्थ ऑफ फील्ड ऑफ फॉर नाउ। बाय द वे, मैंने इन सारी सेटिंग्स को अपनी इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। सो नाउ लेट्स क्लिक ओके। और यहाँ सबसे पहले हम इस कैमरे की पोजिशन प्रॉपर्टी में जाके इस सीन को जूम इन करेंगे और फिर हम अपने इस एक्टिव कैमरा व्यू को चेंज करेंगे एंड विल मेक इट अ कस्टम व्यू। क्योंकि इस कस्टम व्यू में हम अपने कैमरा की पोजीशन को चेंज करे बिना अपने इस 3D स्पेस में कुछ इस तरह से नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ मैं ऐसे नेविगेट करने के लिए अपने कीबोर्ड पे सी प्रेस कर रहा हूँ टू चेंज माई टूल्स बिटवीन दीज 3 कैमरा टूल्स। और ऑब्वियसली अगर हम ये सेम चीज इस कस्टम व्यू की जगह इस एक्टिव कैमरा व्यू वाले में करेंगे तो यहाँ ये टूल्स हमारे कैमरा की पोजिशन को ही चेंज कर देंगे, विच आई डोंट वॉन्ट। सो लेट्स अंडू दिस एंड लेट्स जस्ट कीप गोइंग विद दिस कस्टम व्यू ओनली। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लाइंग दिस ब्लेड। इसे मल्टीप्लाई करने के लिए हम इस पार्टिकल रेप्लिकेटर के अंदर इस पार्टिकल काउंट को इंक्रीज करेंगे। बट अभी यहाँ इसे इंक्रीज करने पर कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ हमारे इस नेक्स्ट ऑप्शन में जो ये रेप्लिकेटर शेप है वो भी पॉइंट पे है। यानी यहाँ और ब्लेड्स तो ऐड हो रही हैं बट वो सारी ब्लेड्स अपनी इसी पोजिशन पे ही ऐड हो रही हैं, यानी इस पॉइंट पे ही। तो अगर मैं यहाँ इसे पॉइंट से किसी भी और प्रॉपर्टी में शिफ्ट करूँ तो अब यहाँ हम मल्टीपल ब्लेड्स देख सकते हैं। तो अब अगर हमें इन ब्लेड्स को इस रिंग के अंदर ऐड करना है तो वो करने के लिए मैं यहाँ ये रिंग वाला ऑप्शन चूज करूंगा। और अब इस पॉइंट से हम इस ग्रुप की बाकी की सेटिंग्स को चेंज करके अपनी इन ब्लेड्स को इस रिंग के अंदर प्लेस करेंगे। यहाँ मैं सबसे पहले अपने पार्टिकल काउंट को 25 पे करूंगा। वैसे आइडली तो एपर्चर के अंदर मैक्सिमम 8 से 10 ब्लेड्स होती हैं बट यहाँ हमारे सिनेरियो में हम ज्यादा ऐड कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। नेक्स्ट मैं यहाँ इस ब्लेड वाले रिंग के एक्स एक्सिस में रोटेशन ऐड करूंगा, समथिंग लाइक दिस। आई मेक इट 90 degrees। और अब मैं इन ब्लेड्स को इस रिंग के अंदर लाने के लिए इसके शेप स्केल को यहां से कम करूंगा। आई थिंक 4.40 इज लुकिंग गुड। और अब इन सारी ब्लेड्स को अंदर की तरफ रोटेट करने के लिए हम यहां पार्टिकल लुक वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहां हम इस पार्टिकल रोटेशन वाली प्रॉपर्टी को ऑन करके यहाँ से हम इसे एक एपर्चर ब्लेड वाली फील देंगे। इसकी पहली एक्स एक्सिस वाली रोटेशन को मैं थोड़ा 90 से ऊपर ही रखूंगा, समथिंग लाइक 95, बिकॉज 90 पे रखने पर ये काफी फ्लैट फील दे रहा है। नेक्स्ट है वाई एक्सिस की रोटेशन। यहाँ से हम इसे कुछ इस तरह से थोड़ा खुला करेंगे। इसे अच्छे से देखने के लिए लेट्स टेम्परेरीली टर्न ऑफ द विजिबिलिटी ऑफ द रिंग हियर। सो विल गो टू आवर ग्रुप 1 और यहाँ इस पहले ऑप्शन को हम सिंपली अनचेक करेंगे। एंड नाउ इफ आई कम बैक टू द ग्रुप 2 एंड चेंज द वाई एक्सिस रोटेशन तो अब हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। ऑब्वियसली 0 पे ये ब्लेड्स एक दूसरे के साथ मर्ज सी हो रही हैं, सो आई थिंक 7 degrees का रोटेशन यहाँ काफी रहेगा टू अवॉइड दैट। यहाँ 7 degrees में भी ये एक दूसरे के अंदर थोड़ा सा मर्ज हो रहे हैं, सो आई जस्ट मेक इट 10 here। और अब नेक्स्ट इस जेड एक्सिस की रोटेशन से हम यहाँ अपने अपर्चर को एनिमेट कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। लेट्स टर्न ऑन द रिंग अगेन। और अब अपनी इन ब्लेड्स को इस रिंग के अंदर से निकालने के लिए हम सिंपली इस पार्टिकल साइज वाली प्रॉपर्टी को एनिमेट कर सकते हैं, लाइक दिस। एंड दिस इज बेसिकली हाउ यू कैन एनिमेट योर अपर्चर। लास्टली हमारे इस मॉडल पे अभी भी एक चीज मिसिंग है, दैट इज आर नेम जो कि हमारी इस रिंग के ऊपर आता है। तो इसे भी फटाफट से क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट लेयर क्रिएट करूंगा। इस टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो और इनफैक्ट इस टेक्स्ट को देखने के लिए लेट्स चेंज द व्यू टू एक्टिव कैमरा। अब इस टेक्स्ट के अंदर आई टाइप कुकी डूड्स। ऑब्वियसली इसका कोई मतलब नहीं है तो इसकी जगह आप कोई भी नाम लिख सकते हो। मैं इसका फॉन्ट चेंज करूंगा, आई मेक इट स्ट्राइट फॉन्ट। ये फॉन्ट भी आपको एसेट्स वाले फोल्डर में ही मिल जाएगा। और जैसे हमने इस ब्लेड के मास्क को एलिमेंट 3D प्लगइन के अंदर ऐड किया था, सिमिलर तरीके से ही अब हम इस टेक्स्ट लेयर को भी इसमें ऐड करेंगे। सो आई टर्न दिस टेक्स्ट लेयर ऑफ नाउ। इसे भी मैं बैकग्राउंड में शिफ्ट कर दूंगा और यहाँ वापस से हम इस कस्टम लेयर वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ इस कस्टम टेक्स्ट और मास्क वाले ऑप्शन के अंदर पाथ लेयर 2 में हम अपने इस टेक्स्ट लेयर को ऐड कर देंगे। इसके नेक्स्ट ऑप्शन में हम इसे सोर्स पे ही रहने देंगे एंड नाउ विल गो बैक इन आवर सीन सेटअप। अब अपने टेक्स्ट को भी यहाँ इंपोर्ट करने के लिए हम इस एक्सट्रूड बटन पे ही क्लिक करेंगे। बट ये करने से अभी यहाँ हमारी ब्लेड वाला मॉडल ही वापस से इंपोर्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ ये डिफॉल्ट से हमारा पाथ नंबर 1 सिलेक्टेड है। तो अगर मैं इसे चेंज करके पाथ नंबर 2 करूँ
जिसमें हमने अपना टेक्स्ट ऐड किया था, देन नाउ वी कैन सी आर 3D टेक्स्ट हियर। इसे भी रीनेम करेंगे कुकी रूट्स टेक्स्ट, और इसको भी हम एक सेपरेट ग्रुप में ही ऐड करेंगे, विच विल बी ग्रुप नंबर 3। अब इस टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टाइलाइज करेंगे, या मैं सबसे पहले अपने इस बेवल के स्केल को थोड़ा कम करूंगा, अराउंड 1 इज लुकिंग गुड। नेक्स्ट हम इसमें मटेरियल ऐड करेंगे। मैं अपने प्रो शेडर के मेटल प्रीसेट के अंदर जाके ये गोल्ड ग्रंज वाला मटेरियल इसमें ऐड करूंगा। अगेन इसकी भी यूवी मैपिंग को चेंज करेंगे टू बॉक्स रिपीट प्रिजर्व एक्सपेक्ट, जिससे इसका टेक्सचर हमारे मॉडल पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और लास्टली मैं यहाँ इस टेक्सचर का साइज काफी छोटा करूंगा बाय इंक्रीजिंग द यूवी रिपीट टू अराउंड 10 ऑन ईच एक्सिस, एंड दैट्स इट। दिस वॉज बिफोर, जहां हमारा टेक्सचर का साइज काफी बड़ा था, एंड दिस इज नाउ। और अब क्योंकि हम इसे इस रिंग के ऊपर यहां प्लेस करने वाले हैं, हम इसे इसी सीन सेटअप के अंदर ही एक्स एक्सिस पर रोटेट करेंगे टू अपवर्ड्स। इसे रोटेट करने के लिए आई विल क्लिक हियर, और यहां से अब हम सिंपली अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करके इसे 90 डिग्री रोटेट करेंगे, समथिंग लाइक दिस, एंड दैट्स इट। वी कैन नाउ क्लिक ओके टू कम बैक टू आफ्टर इफेक्ट्स, जहां हम इस टेक्स्ट को इस रिंग के ऊपर प्लेस करेंगे। अब अपने सीन को वापस से फ्रीली देखने के लिए मैं अपने इस व्यू को वापस से कस्टम व्यू पे स्विच करूंगा, एंड नाउ विल गो टू ग्रुप 3, जहां हमने इस टेक्स्ट को असाइन किया था, और यहाँ इस पार्टिकल रेप्लिकेटर के अंदर से विल चेंज द पोजीशन ऑफ इट। इसे ठीक से देखने के लिए मैं यहाँ थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ। अब अगर आपका यहाँ टेक्स्ट थोड़ा छोटा या बड़ा आ रहा है, तो आप उसको फटाफट से रिसाइज कर सकते हो बाय जस्ट चेंजिंग द साइज ऑफ योर एक्चुअल टेक्स्ट हियर। तो पहले 30 पे था, आई जस्ट मेक इट 35 नाउ। और अब जाहिर सी बात है कि अगर हमें इस टेक्स्ट को इस रिंग के ऊपर प्लेस करना है, तो हमें इसे थोड़ा सा बेंड भी करना पड़ेगा। तो इसे बेंड करने के लिए हम इसके इस पार्टिकल लुक वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे, और यहाँ इस डिफॉर्म ऑप्शन के अंदर ये रहा हमारा बेंड। इसे हम सिंपली एनेबल करेंगे, और इस बेंड के एंगल से हम सिंपली इस टेक्स्ट को कुछ इस तरह से बेंड कर सकते हैं, एंड दैट इज इट। आवर मॉडल इज नाउ रेडी टू बी गेट एनिमेटेड, यानी अब हम सिंपली की फ्रेम्स की मदद से इस एपर्चर को एनिमेट कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली हमारे इंट्रो सेक्शन में ये की फ्रेम एनिमेशन के अलावा यहाँ और भी काफी सारी चीजें थी, जैसे कि लाइटनिंग, एटमोस्फेयर, डेप्थ ऑफ फील्ड, मोशन ब्लर और भी बहुत कुछ, जो कि अगर मैं यहाँ समझाने बैठा तो पता नहीं कितने घंटों का ट्यूटोरियल बन जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अगर आप इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स कर देते हो, तो मैं यूट्यूब पे ही लाइव आके आपको इस एनिमेशन को कम्प्लीट करके दिखाऊंगा। एंड आई एम श्योर कि उस लाइव सेशन में आपको काफी सारी एडवांस टिप्स और ट्रिक्स भी सीखने को मिलेंगे, जिसे आप अपने किसी भी और प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। ऑब्वियसली तब तक आप अपने आप भी इसे एनिमेट और एनहेंस करने का ट्राई कर सकते हो, बट इन केस बाय चांस किसी भी रीजन की वजह से अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स नहीं आते हैं, तो चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप इसकी प्रोजेक्ट फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कभी भी डाउनलोड कर सकते हो। और इनफैक्ट मैं अपने इस कोर्स के नेक्स्ट लाइव सेशन में भी इस एनिमेशन को कंप्लीट करने वाला हूं, तो आप वहां पे भी उसे देख सकते हो। नाउ आई थिंक दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मेक श्योर यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल, एंड नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।